हाँ सर, डर तो कभी कभार लगता है, लेकिन अब डर के क्या करना है, हो गए हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, गिरा भी हूँ मैं तो, लेकिन अब आदत सी हो गई है, चल जाती है। हाईएस्ट कितनी स्पीड पे आपने इसमें गाड़ी चलाई है? 100 से ऊपर चला ये बाइक, 100 से ऊपर? हाँ 100 से ऊपर, ये सब कमर का बैलेंस, पैर का बैलेंस, ये सब बैलेंस होता है। आपने कहाँ से सीखा ये? सर मैंने ऐसे ही सीखा था बचपन में, मुझे 14-15 साल हो गए हैं तो मैंने ऐसे ही सीखा था। मैं घूमते हो तो उस वक्त दिमाग में क्या होता है? सर उस वक्त एक तो हमने सीखा हुआ होता है, उस वक्त दिमाग में ये भी रहता है कि लोगों को इन्जॉय कराना है, दिमाग में यही रहता है कि हमें अपना काम अच्छे से करना है तो अपना खेल दिखाना है। ये खुदा ना खासा अगर कभी एक्सीडेंट होता है या कभी कोई हादसा होता है तो क्या होगा, किस तरीके से मेरा परिवार? सर कि आप किस स्पीड पे ये बाइक चलाते हैं, गाड़ी किस स्पीड से आप चलाते हो जब आप घूमते हो इसके? सर बहुत सारे एग्जीबिशंस में आपने मौत का कुआं नाम तो सुना ही होगा या आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे। आज हम आपको वो ऑपरेटर से मिलाएंगे जो उस मौत के कुएं में सच में काम करते हैं, और ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये वाली बाइक ये वो चलाते हैं, और साथ में वो गाड़ी जो 800 है वो चलाते हैं। तो आज उसी ऑपरेटर से हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे नौजवान हमने ऐसे देखे हैं जो फिर बाद में इनको घर में ट्राई करते हैं। तो पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, जो आप यहाँ पर मौत के कुएं में या किसी भी एग्जीबिशन में देखते हैं वो आप किसी सड़क पर ट्राई ना करें। ये बिल्कुल ट्रेन होते हैं इस चीज़ के लिए, इनका दिमाग ऑलरेडी बना हुआ होता है तो ये चीज़ कर पाते हैं। तो आप इन चीज़ों को घर में ना करें। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं कुपवाड़ा के ट्रेड एग्जीबिशन की है, जहाँ पे मौत का कुआं खेल दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। मेरे साथ वही ऑपरेटर हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि ये कैसे किया जाता है और इसके पीछे जब ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर घुमाते हैं तो दिमाग में क्या चीज़ आती है और उस वक्त ये क्या सोचते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, ये मेरा नाम रईस खान है। रईस साहब पहले आप थोड़ा सा बताइए कहाँ से हैं? जी मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। हाँ जी, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए जी। जब आप ये बाइक पहले ले लेते हो, बाइक से आप इससे पूरे ये जो कुआं आपने बनाया है पूरे कुएं में घूमते हो तो उस वक्त दिमाग में क्या होता है? सर उस वक्त एक तो हमने सीखा हुआ होता है, उस वक्त दिमाग में ये भी रहता है कि लोगों को एंजॉय कराना है, लोगों को भी बचाना है, क्योंकि ये कोई जादू तो नहीं है, ये तो बोली और अपने आप को भी बचाना रहता है। तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें अपना काम अच्छे से करना है तो अपना खेल दिखाना है। तो रईस भाई ये बताइए कि चलो आपने पहले बाइक घुमाई, उसके बाद आप स्टंट करते हो, हाथ छोड़ते हो कभी कभी, तो वो कैसे कर पाते हो आप? सर इसका बैलेंस है, इसका बैलेंस बनाना पड़ता है, ये सब कमर का बैलेंस, पैर का बैलेंस, ये सब बैलेंस होता है। आपने कहाँ से सीखा ये? सर मैंने ऐसे ही सीखा था बचपन में, मुझे 14-15 साल हो गए हैं तो मैंने ऐसे ही सीखा था कुएं में। कभी ये दिमाग में नहीं रहता है कि खुदा ना खासा अगर कभी एक्सीडेंट होता है या कभी कोई हादसा होता है तो क्या होगा, किस तरीके से मेरा परिवार? सर बिल्कुल, अब गिर के भी हमें अब आदत हो गई है। हाँ अब इसका डर नहीं लगता, हुए एक्सीडेंट भी हो जाते हैं हमारे, कोई वो नहीं है, अभी भी हो जाते हैं, लेकिन अब आदत सी हो गई। आदत सी हो गई जी सर। तो आपकी जिंदगी, आपने जिंदगी में यही सब काम किया है? बिल्कुल सर यही। अच्छा, रोजी रोटी कैसी चलती है इस काम से? रोजी रोटी ठीक चलती है, लेकिन इस साल पब्लिक नहीं आ रही है, बाकी तो मैं इधर 10-12 साल से आ रहा हूँ कुपवाड़े के अंदर, लगभग 2010 से आ रहा हूँ, काम ठीक चलता था, लेकिन इस साल लोग नहीं आ रहे हैं, पब्लिक थोड़ा कम आ रहा है, पब्लिक कम आ रही है। अच्छा 800 के बारे में बताइए, जो आप 800 चलाते हैं तो कैसे करते हैं? सर इसका भी बैलेंस पे डिपेंड होता है, अब जब हम गाड़ी नीचे से लेके जाते हैं, अगर बैलेंस है तो गाड़ी ऊपर लेके जाएंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो एक बार उतर के आ जाएंगे, फिर बैलेंस पे लेके जाएंगे। अच्छा, अगर इसके पहले बैलेंस बनाना पड़ता है फिर बाद में इसको घुमाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ये डर नहीं लगता है यार अभी मैं गिरूंगा, अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ इतना तेज? हाँ सर, डर तो कभी कभार लगता है, लेकिन अब डर के क्या करना है, हो गए हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, गिरा भी हूँ मैं तो, लेकिन अब आदत सी हो गई है, पेट तो पालना है ना। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि कोई और काम कर लूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं सर, इसका अब शौक भी हो गया ना। हाँ अब शौक भी हो गया। देखते। बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर स्टंट करते हुए देखते हैं, फिर वो बाहर रोड सड़कों पर वो ट्राई करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैंने उनके लिए पिछले साल भी यही बोला था मीडिया में, और आज भी मैं फिर एक ही बात बोलूंगा कि वो जो रोड पे हमें देख के करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें बिल्कुल सीखा हुआ होता है, हमारा उस्ताद होता है, वो उस्ताद के बगैर ही सीखते हैं तो बेचारे गिरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बहुत सौ की डेथ भी हो जाती है,
तो मैं उनसे मना करने मैं यही मना करूंगा वो ऐसा ना करें। जितने भी बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं आपको बता दें ये बिल्कुल ट्रेन होते हैं इस काम के लिए और इस तरीके का काम करने के लिए इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल तैयार होता है। आप इन चीजों को घर में या किसी सड़क पे ट्राई ना करें, आपकी जान जा सकती है। तो इस वक्त मैं कुपवाड़ा के एग्जीबिशन ट्रेड एग्जीबिशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौत के कुएं का खेल दिखाया जा रहा है जिसमें रईस साहब अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। पहले ये बाइक से स्टंट करते हैं, उसके बाद में ये गाड़ी से 800 से स्टंट करते हैं और लोगों को यहाँ पर एंटरटेन करते हैं। आखिरी मैसेज कोई आप जो लोगों को देना चाहते हैं? सर आखिरी मैसेज लोगों को यही देना चाहूँगा कि इधर आएँ, घूमें, अपना एंजॉय करें, हर चीज़ का एंजॉय करें। लेकिन अगर हमें देख के कोई इधर मेरा स्टंट देख के लोग अगर रोड पर करना चाहें तो वो बिल्कुल ना करें, उनके लिए यही मना करना चाहूँगा। अच्छा तो थोड़ा सा अगर आप बता दें कि आप किस स्पीड पे ये बाइक चलाते हैं, गाड़ी किस स्पीड से आप चलाते हो जब आप घूमते हो इसके? सर गाड़ी तो 25 की स्पीड पे भी चल जाती है, ये भी चल जाती है, लेकिन अगर बैलेंस है तो ज्यादा ज्यादा अगर 100 पे भी चलाना चाहो तो चल जाती है। हाईएस्ट कितनी स्पीड पे आपने इसमें गाड़ी चलाई है? 100 से ऊपर चलाई है बाइक। 100 से ऊपर? हाँ 100 से ऊपर। गाड़ी भी बाइक भी? हाँ नहीं बाइक चलाई है तो गाड़ी 70-80 तक लेके हूँ। गाड़ी 70-80 तक लेके गई? अच्छा। तो कितने बंदे आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस रोजगार से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? सर हम लगभग 100-125 बंदे हैं इधर अभी। ना मतलब आपके ट्रेड से जो आपने ये वाला कर? मेरे वाले से हम 8-10 बंदे हैं। 8-10 बंदे, मतलब पूरा करता दर्दा आप पे ही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा रईस भाई आपके घर के बारे में, फैमिली के बारे में बताइए, बच्चे क्या है और फैमिली क्या है? सर फैमिली के बारे में, माँ बाप की डेथ हो गई है, माँ बाप तो नहीं है, तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं, तो वो एक बड़ी लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, एक छोटी है अभी। अच्छा कभी घर वालों ने ये नहीं बोला कि यार क्या काम कर रहे हो छोड़ दो अभी क्या करना? यार दोस्त हैं रिश्तेदार हैं वो मना करते हैं, मुझे इस काम के लिए फ़ोन लगाते हैं, मना करते हैं ये काम छोड़ दो कुछ और काम देख लो, लेकिन अब मुझे थोड़ा इसका शौक भी है आदत भी है तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। चलाते अपनी बेटियों की याद कभी आती है? हाँ याद अब कुछ साल भर से मुझे कुछ ज़्यादा आती है। हाँ मेरी बड़ी लड़की जो है मुझे मना करती है हाँ ये काम के लिए, ये काम मत करो। हाँ तो आपको बिल्कुल वो अपना फैमिली वाला सीन याद आता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल मुझे कभी कभार आता है, मुझे वही सीन याद आता है तो, लेकिन अब क्या करें छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं और उनकी सांसें अटक रही होती हैं, कोई कह रहा है ये क्या हो रहा है, किस तरीके से किया जाता है? बिल्कुल सर कुछ लोग तो इसको जादू भी समझते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है और ये तो आपका कश्मीर का कुपवाड़े का लड़का है, ये मेरे साथ बैठा है, इससे पूछो ये जादू है कि क्या है, ये कुपवाड़े जादू है? नहीं सर जादू नहीं है, ये ट्रिक है। यस सर। तो जितने आप प्रैक्टिस करते हो, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले तो मैं ये मना ही करूंगा क्योंकि ये काम उतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है और इस मौत के कुएं में गाड़ी घुमाना या बाइक घुमाना उतना आसान नहीं है, लोगों को एंटरटेन करना उतना आसान नहीं है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें अगर 10 रुपये ये कमाते भी हैं मगर अपनी जान जोखिम में डालकर ये पैसे कमाते हैं या अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मैं यही कहूंगा एक बार फिर से जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, घर में इस तरीके के वीडियोस को ट्राई ना करें, इस तरीके के स्टंट्स घर में ट्राई ना करें, किसी सड़क पर ट्राई ना करें। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुपवाड़ा के ट्रेड एग्जीबिशन की है जहां पर आज मौत के कुएं का खेल दिखाया गया और यहां पर रईस साहब के अलावा और एक हमारा नौजवान है जिसने यहाँ पर करतब दिखाए और साथ में गाड़ी जो है उसके जरिए से उसको पूरे कुएं में घुमाया और लोगों को एंटरटेन किया।